और इस वक्त एक बड़ा अपडेट, केंद्र सरकार ने आखिरकार महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। हमने सुबह ही आपको बताया था केंद्र सरकार महंगाई भत्ता DA बढ़ा सकती है, बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना में 300 रुपए की सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक ये जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने DA बढ़ा दिया है, केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा और राज्य सरकारों पर भी अब अपने कर्मचारियों का DA बढ़ाने का दबाव बनेगा। 10 करोड़ परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। 5.6% वृद्धि की गई है जूट के कीमतों में, और पिछले 10 वर्ष को अगर देखें तो लगभग 122% वृद्धि जूट के MSP पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में की गई है, जो लगभग 3,000 रुपए की वृद्धि। आज से 10 साल पहले जो 2,400 रुपए प्रति क्विंटल MSP था, वो आज 5,335। तो केंद्र सरकार ने जो बड़े फैसले लिए उनकी जानकारी पीयूष गोयल। उज्ज्वला योजना में 300 रुपए की सब्सिडी जारी 31 मार्च 2025 तक ये जारी रहेगी, लेकिन DA में इजाफा एक बड़ा फैसला और केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा, राज्य सरकारों पर भी दबाव बनता है। 4% DA और बढ़ गया है, 40 के ऊपर पहले ही ये था और अब और 4% इसमें इजाफा कर दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने DA बढ़ा दिया है, 4% DA बढ़ाया गया है। उज्ज्वला योजना में भी 300 रुपए की सब्सिडी को आगे 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दस करोड़ परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। पीयूष गोयल ने इस बात की भी जानकारी दी और जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए उसकी भी जानकारी दी, जानकारी वो दे रहे थे, हमने आपको सुनवाया है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों का DA महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है।